गाइस, सिम मॉडिफाई करना इसका मतलब ये है, जब कोई लेटेस्ट मोबाइल हो, बहुत सारे मोबाइल ऐसे आते हैं जो मार्केट में उनके पार्ट्स मिलते नहीं है, जैसे कि सिम स्लॉट। सिम स्लॉट जो होता है वो आपने नोटिस किए होंगे, बहुत ही रियल ऐसे कुछ यूनिवर्सल सिम स्लॉट मार्केट में मिलते हैं, और जो कुछ यूनिक सिम स्लॉट मार्केट में आते हैं वो नहीं मिलते हैं। जैसे कि हॉनर के सिम स्लॉट आपको नहीं मिलेंगे, उसके बाद में रियलमी के जो लेटेस्ट फ़ोन है इनके सिम स्लॉट नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन मिलता है सिम स्लॉट, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि मान लो आप सिंगल पीस ऑर्डर कर रहे हो तो भी 250-250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और वो भी श्योर नहीं है कि वो सिम स्लॉट लगाने के बाद में काम कर, क्योंकि उनके मेटल बॉडी इतने हल्के आते हैं जो डैमेज होने का संभावना रहता है खोलते वक्त। अभी जैसे कि इसी टॉपिक पर बताऊँगा, फिलहाल से मॉडिफाई करना मतलब कभी आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई चाइनीज़ का पिन यूनिवर्सल जो सिम स्लॉट होता है वो सिम स्लॉट आप एंड्रॉयड में लगा सकते हो। सिम स्लॉट साइज़ में बड़ा भी आता है और छोटा भी आता है, जैसे कि चाइनीज़ फ़ोन है इसमें 6 पिन का सिम स्लॉट है, और अभी मैं एक सैमसंग का पीसी भी दिखाता हूँ, वो सैमसंग के पीसी में आप नोटिस करना वो थोड़ा सा शेप में छोटा है चाइनीज़ वाले से। तो इस टाइप के सिम स्लॉट आप एंड्रॉयड में लगा सकते हो, ताकि जो है हम जो बॉडी को फिटिंग करें तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो छोटे से छोटा सिम स्लॉट जो है आप एंड्रॉयड मोबाइल में सेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन सेट करने का तरीका जो है वही बताऊँगा इस वीडियो में। फ़िलहाल ये मोबाइल का सिम स्लॉट है ना, सही दिख रहा है मुझे, मतलब ये सिम स्लॉट डैमेज नहीं है और ओरिजिनल है। तो इस सिम स्लॉट को पहले हम निकालेंगे पीसीबी से, ये मोबाइल तो वैसे ही डेड है, तो इसका सिम स्लॉट जो है हम एंड्रॉयड मोबाइल में लगाएंगे। तो सिम स्लॉट को निकालने के लिए बेसिकली तौर पे आपको मालूम होगा कि मैं अगर ऊपर से हीट मारूंगा तो सिम स्लॉट जो है डैमेज हो जाएगा, प्लास्टिक में जो बॉडी है प्लास्टिक जो है वो गल जाएगा। तो ऑब्वियसली नीचे से हीट मारेंगे ना, तो वही चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा पिनों में पेस्ट लगा के तो हीट मार के जो है मतलब हमें सही सलामत जो है ये सिम स्लॉट निकालना है। अब मार्केट वाला जो सिम स्लॉट आता है नया जो हम परचेस करते हैं, वो सिम स्लॉट क्या है, हल्का आता है और स्ट्रॉन्गली जो पॉलिश होता है ना गोल्ड का, वो पॉलिश कम होता है, तो उनमें एक्सेस कम होता है सिम स्लॉट का, जब हम लगाते हैं ना तो लूज टाइप का ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं डेड मोबाइल से निकाल के लगा रहा हूँ। और एंड्रॉयड मोबाइल में क्या होता है कि हम जब लेटेस्ट मोबाइलों को सिम स्लॉट को हीट मार के निकाल तो लेते हैं, लेकिन लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत से बिगिनर के साथ होता है कि लगाने में उनसे या तो सेट, कभी कभी ऐसा होता है सिम स्लॉट जानते हो इतना स्मूथली होता है कि उसके पास में सीपीयू होता है या उसके नीचे सीपीयू होता है, सेट डेड होने की संभावना रहता है, निकालने में इजी रहता है, डेड नहीं होता है वैसे निकालते वक्त, लेकिन लगाते वक्त बहुत मुश्किल होता है। आयरन की कुछ बिगेनियर जो है वो आयरन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बिगेनियर जो है वो SMD का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो ऐसे टॉपिक पे है, जब सिम स्लॉट आपको ना मिले मार्केट में तब क्या करोगे, तब भी मोबाइल रिपेयर होते हैं, करते हैं टेक्नीशियन, तो उस टाइप का रिपेयरिंग है। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इमरजेंसी में जो है आप लोगों को हेल्प, ये आइडिया जो है वो मिल सके, क्योंकि ये आइडिया बहुत से बिगिनर को नहीं पता है। लगाने का तरीका भी जो है बहुत ही यूनिक है, जो एक एक वायरिंग करना पड़ता है, मतलब वायरिंग उल्टा सीधा होगा तो सिम जो है वर्क नहीं करेगा। बस उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। अभी ये सिम स्लॉट हमने निकाल लिया है, ये सिम स्लॉट जो है आप देख पा रहे हो 6 पिन का है, मतलब नॉर्मली जो 6 पिन होता है वो 6 पिनों के बारे में हमें समझना पड़ता है, 6 पिन जो है वो क्या क्या काम आता है। ऑब्वियसली ये और जो इसमें एक सिंबल बना हुआ है, देखो जैसे कि सिंबल का शेप, सिम स्लॉट सिम जब हम इंसर्ट करेंगे तो किस टाइप से सिम इंसर्ट करेंगे, मतलब उल्टा सीधा का फ़र्क पड़ता है। तो मैं सिम स्लॉट में जो सिंबल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है एक सिम को इंसर्ट करके रखता हूँ, मुझे एक आइडिया रहा है कि सिम का शेप इस तरफ से जो है एंट्री होगा, मतलब छोटे टाइप का जो सिम है। चलो अब सिम तो हमने एंट्री कर दिया, अब ये जो 6 पिने हैं ना, 6 पिनों का हमें नोटिस करना है, ये 6 पिनों में हमें पहले जंपर मारना है। अब जंपर मारने में ये चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए कि 6 पिने जो है वो क्या काम करता है। एक पिन तो होता है ग्राउंड, बाकी CLK डाटा इस टाइप के सप्लाई इनमें जो है इनपुट आउटपुट होते हैं, तो ये कुल मिला के ये है हमें 6 जंपर मारने हैं। तो आपने नोटिस किया कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनमें 6 पिन के जगह 5 पिन वर्क करता है, और कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो 6 पिन के जगह 6 पिन में सप्लाई आता है, एक पिन तो ग्राउंड है और 5 पिन जो है सप्लाई आता है, और कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिनमें
चार पिन में सप्लाई आता है, एक पिन में ग्राउंड होता है और एक पिन जो है खाली होता है, तो वो चीज़ भी समझना पड़ेगा आपको। फिलहाल इस मोबाइल में हम पहले 5 जंपर मारेंगे और बेसिकली मल्टीमीटर्स का भी इस्तेमाल करके मल्टीमीटर से भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडिफाई करने का तरीका जो है बहुत ही हटके है। तो गाइस मैं फटाफट पहले जंपर मार लेता हूँ। गाइस जंपर मारते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो आप जंपर मार रहे हो ना, वो वायर को उतना ही रिशोल्ड करे जितना आवश्यक हो। ज़्यादा रिशोल्ड करोगे तो हो सकता है सिम के जो ऊपर का जो ओपनर है, मतलब ढक्कन जो है, उसमें वायर जो है टच होगा तो जो है सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा और आपका सिम जो है काम करना बंद कर सकता है। तो शोल्ड उतना ही करे जितना ज़रूरत हो, और हो सके तो टेप लगा लेना ऐसे जंपर मारने के बाद में नीचे की सतह पे। पूरा सिम स्लॉट पे टेप मत मारना, तो सिम जो है आप निकाल नहीं पाओगे, लगा नहीं पाओगे। Thank you.
अभी जम्पर लग चुका है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वायरिंग है, वायरिंग किस तरीके से जो है मदरबोर्ड में जॉइंट होगा। अब बेसिकली जब जिस किसी मोबाइल का सिम स्लॉट हम चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि जब पिन जो है इंटरनल डैमेज हो जाता है जब भी हम सिम स्लॉट चेंज करते हैं, ये आप जानते ही हो। अभी सिम स्लॉट जो है जब आप निकालोगे तो किस क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है वो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो इतना तो काम सीख ही लिया कि कहाँ पे हिट मारना है कहाँ पे हिट नहीं मारना है। अभी एक चीज़ और बता देता हूँ, सप्लाई मतलब मल्टीमीटर से जब हम सिम स्लॉट पर टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करना भी हमें आना चाहिए, नहीं तो आप ये वायरिंग जो है वो नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि मेरे पास ये चाइनीज़ फ़ोन है तो मैं इसमें सिम स्लॉट में टेस्ट कर रहा हूँ, अभी एक पिन में जो है ग्राउंड आ रहा है और मतलब इस तरफ, उसको हम एक पिन मान लो चाहे चार नंबर का पिन मान लो, आप अपने हिसाब से नंबर एक सेट कर लो, तो छः पिन है ना, तो छः पिन में जो है हमें मतलब उस हिसाब से टेस्ट करना है कि कौन से पिन में ग्राउंड आ रहा है और बाकी कितने पिनों में जो है सप्लाई आ रहा है, ये चीज़ें हमें नोटिस करना है। तो बेसिकली सिम स्लॉट को मैंने रख दिया है। सिम स्लॉट में जो आइकन बना हुआ रहता है उसमें ये ध्यान देना पड़ता है, देखो इस मोबाइल में भी सिम स्लॉट का आइकन बना हुआ है तो इस आइकन के अकॉर्डिंग जो है हम सिम को इंसर्ट करते हैं, ये चीज़ भी हमें नोटिस करना पड़ता है, क्योंकि ये इसमें अगर आप वैसे तो मोबाइल डेड नहीं होगा आप उल्टा सीधा लगाओगे तो लेकिन आपका मेहनत जो है वो डबल हो जाएगा, तो सिंगल मेहनत कम में टाइम पे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो बेटर है ना। तो मैंने जैसे कि मैं इस पिन में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ नंबर आ रहा है, जंपर के हिसाब से देखो और मैं सप्लाई किस में चेक कर रहा हूँ, इसमें चेक कर रहा हूँ तो वायरिंग जोड़ मतलब सप्लाई आ रहा है। तो अब बचा ऊपर का पिन है तो इस पिन में सप्लाई आ रहा है मतलब ये वाला वायर जुड़ेगा यहाँ पे, और ये वाला वायर इस नंबर पिन में बीच वाले में कभी कभी एक आता है किसी किसी मोबाइल में, लेकिन इस पीसी में दोनों में सप्लाई आ रहा है, तो हमें क्या है इसमें शायद एक वायर और बांधना पड़ेगा क्योंकि बीच वाला पिन में सप्लाई आ रहा है ना। अगर सप्लाई नहीं आता है तो हमारा पांच वायर से जो है वो काम हो जाता है, मतलब पांच वायरिंग से काम हो जाता है, सप्लाई आ रहा है तो इसलिए हमें कुल मिला के छः वायरिंग करना पड़ेगा। ये चीज़ तो इस पीसी में टेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, टेस्ट करना है आपको मेन पीसी में जिस पीसी में आप सिम स्लॉट जो है मॉडिफाई करोगे, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल में तो मॉडिफाई करोगे ना, तो एंड्रॉयड मोबाइल का पीसी में आपको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न नहीं वाली ये चीज़ें मैंने चाइनीज़ में क्यों बताया, क्योंकि हम सिम स्लॉट जो है वो चाइनीज़ मोबाइल का लगा रहे हैं, सिम स्लॉट चाइनीज़ मोबाइल का एंड्रॉयड में लगा रहे हैं ना, तो आपको मैंने इसलिए चाइनीज़ में टेस्ट कराया ताकि आपको एक आइडिया रहे, मतलब जंपर जो मारो उसके अकॉर्डिंग मारो और सिम को जो आप इंसर्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है इंसर्ट करो। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड में जो है इस हिसाब से सिम स्लॉट नहीं आएगा, एंड्रॉयड में थोड़ा अलग ही टाइप का आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे एंड्रॉयड में कि सिम स्लॉट जो है किस तरीके से वायरिंग जो है उसके मतलब एंड्रॉयड में कैसे लगाना है। कुल मिला के ये है क्योंकि उसमें तो अलग टाइप का सिम स्लॉट का डिज़ाइन है, शेप भी अलग टाइप का है, सप्लाई हमें कैसे मिसिंग कन्फर्मेशन करना पड़ेगा कि सीएल के अगर सिम स्लॉट चाइनीज़ मोबाइल में सीएल के सप्लाई अगर पिन नंबर चार में आता है तो एंड्रॉयड में कौन से पिन नंबर पे आएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना। तो फिलहाल हमने छः जंपर मार दिए हैं और छः जंपर में अब मैं आपको एंड्रॉयड में दिखाता हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड में ही है मेन फंडा, एंड्रॉयड में आपको अच्छी बारीकी से समझना पड़ेगा जंपर में। फिलहाल जिसमें हमने जंपर मारा इसको मैं साइड में रख देता हूँ और एंड्रॉयड मोबाइल का पीसीबी को है जो है वो निकाल लेता हूँ। जैसे कि ये वाला होनर का सेट है, अब इसका सिम स्लॉट देख रहे हो चौड़े टाइप का है और हो सकता है कि मार्केट में ना मिले, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हीट मारते वक्त इसका पोजिशन मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे आपको आधा काम तो आता ही होगा, मुझे ज़्यादा आइडिया है। तो ये सिम स्लॉट जो है हमें ऊपर से हीट मार कर निकालना है, निकालने में आसान है लेकिन लगाने में थोड़ा टफ है, क्योंकि इसका इसमें देखो ट्रे के अंदर सिम स्लॉट लगाया जाता है, तो अब ट्रे का शेप अलग टाइप का होता है, चाइनीज़ मोबाइल में हम तो डायरेक्टली क्या करते हैं बैटरी को हटाते हैं सिम लगाते हैं और बैटरी को दोबारा लगाते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में सिम ट्रे के हिसाब से जो है सिम भी अलग हट के लगेगा और ट्रे के हिसाब से लगेगा, तो आप इसमें कन्फ्यूज़न हो जाओगे कौन सा वायर किस में है। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, फिलहाल ये दोनों मदरबोर्ड आपने देख ही लिए, मैं इन दोनों मदरबोर्ड जो है इनको मैं ख़राब नहीं करूँगा, कोई डेड मदरबोर्ड में मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अभी ये एक बार टेस्टिंग भी कर लेते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, जैसे कि एक पिन को ग्राउंड में, एक मल्टीमीटर का प्रो को ग्राउंड में रखो, कोई भी आपको एक सिम स्लॉट जो है एडजस्ट करना है ना,
तो अभी जैसे इसमें वैसे मल्टीमीटर का प्रोब मोटा है, मैं थोड़ा चिमटी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मतलब इसमें हमें यह कंफर्म करना है कि ग्राउंड कौन से तरफ है, क्योंकि मैंने जैसे कि हमने चाइनीज़ में चेक किया था पिन नंबर 4 या पिन नंबर 1 जैसे काउंट किया था, एक पिन में ग्राउंड आता है बाकी 5 पिन में सप्लाई आता है, ठीक है। और वैसे एक चीज़ बता दूँ, ये मॉडिफाई वाला सिस्टम ऐसा है, अगर आप कोई कस्टमर आपके पास रिपेयर कराने आता है तो आप उसको ये तो बोलोगे ना कि एक सिम काम करेगा, मतलब मॉडिफाई अगर करके दूंगा तो ये चीज़ें पहले सजेस्ट कर लेना, क्योंकि दोनों का मेथड अलग अलग हो जाता है। इसमें सिम ट्रे में 2 सिम वर्क करता है और आप जो रिपेयर करने जा रहे हो उसमें एक ही सिम वर्क करेगा। अगर दोनों सिम वर्क कराना है तो आपको जियो के जो कीपैड में जो सिम स्लॉट लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, वो सिम स्लॉट में मॉडिफाई करना पड़ेगा। उससे मेहनत ज़्यादा है और वायरिंग भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, जहाँ पे 6 वायरिंग कर रहे हो ना वहाँ पे 12 वायरिंग करना पड़ेगा। और एक चीज़ बता दो, ये इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि आप ये चीज़ें रिपेयर करके तो दे दोगे, जो यूजर्स है वो सिम नहीं निकाल पाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिक्स करने पे, क्योंकि यूजर सिम निकालेगा तो वायरिंग टूट जाएगा। तो ये फिक्स वाला मामला है, सिम वर्क करने लग जाएगा लेकिन फिक्स वाला मामला है, क्योंकि सिम आप यूनिवर्सल सिम स्लॉट लगा रहे हो और वो भी जो है फिटिंग प्रॉपर करके दोगे तो मतलब सिम निकलने का कोई चांस नहीं है। अभी ये डेड मदरबोर्ड देख रहे हो, ये डेड मदरबोर्ड में जब हम हीट मार कर निकालते हैं तो इस टाइप का सिम स्लॉट रहता है, मतलब इंटरनल। तो ये ट्रे में आप पिन देख रहे हो, सिमों के जो पिने हैं, पिने 6 पिने हैं, तो 6 पिने किस टाइप का है इसको आप आंखों से देख ही पा रहे हो, लेकिन एक तरफ देखो सिम स्लॉट का पिने रिमूव किया गया है और सेंटर में जो सिम स्लॉट है उसके पिने है। तो सेंटर वाला पिन में आपको इजी लगेगा मतलब जंपर करने में, लेकिन जो कॉर्नर पे जिसका सिम स्लॉट हमने पूरा पिने ही रिमूव कर दिए उसमें आपको टफ लगेगा चेक करने में। तो मेन चीज़ है यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अभी जैसे मेरे हाथ में आप ट्रे देख रहे हो, ट्रे में सिम को पहले ऐसे रखेंगे, रखने के बाद में हमें पोजीशन मैपिंग करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सिम स्लॉट को जैसे हम इंसर्ट करेंगे ना तो पिने कौन सा पिने कहाँ जाएगा ये चीज़ें मैपिंग करना पड़ता है। जैसे कि मान लो मुझे एक नंबर का पिन सेट करना है, ठीक है, मतलब सिम स्लॉट 1 सेट करना है, तो 1 में तो आप देख पा रहे हो पिने नहीं है, लेकिन 2 में पिने हैं, मतलब 2 नंबर सिम में पिने जो है, एक नंबर सिम में पिने नहीं है। तो पिने ये जो पूरा कम्प्लीटली रिमूव कर दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब कम्प्लीट रिमूव नहीं करना, सिर्फ ऊपर से जाली हटाना है, जाली हटा के आपको ओनली जो है ये पिने शोल्ड करा हुआ रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप ये कन्फर्म हो जाओगे कौन सा पिन का जंपर कहाँ पे है, जैसे कि इसमें देख रहे हो ये वाला पिन है और इस नीचे, मतलब कुल आपको ये ऐसे मैपिंग करना है कि कौन सा पिन कहाँ पे जाके शोल्ड हो रहा है, आंखों से देख के मैपिंग कर पाओगे, मल्टीमीटर से मैपिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं जैसे कि आप देख रहे हो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ ये पिन यहाँ जॉइंट होगा, ये पिन नीचे जॉइंट होंगे, और मतलब ये कुल मिला के एक एक करके आप आंखों से देख के आपको आइडिया हो जाएगा। फिर जैसे आप कंफर्म हो जाओ उसके बाद में जाके आप पिनों को निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जंपर मारने से पहले तो निकालोगे। आपको पहले आइडिया करना है कि कौन सा पिन किस टाइप से जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उसके बाद में सिम को जैसे आप इंसर्ट करोगे, इंसर्ट कर मतलब इस तरह से रख के आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि सिम का पोजीशन क्या है। अभी जैसे सिम का एक कॉर्नर जो है शेप आप देख रहे हो, कटिंग करा हुआ शेप रहता है सिम का, ये तो आप जानते ही हो। तो जो हम सिम लगाएंगे इसके अंदर, जैसे कि ये वाला सिम स्लॉट लगाएंगे, तो इसका कटिंग शेप देखो किस तरफ है, कटिंग शेप जो है नीचे की सतह पे है, ठीक है। अभी इस कटिंग शेप को मैं एक बार रख देता हूँ पीसीबी में, आपको और इजी तरीके से समझ में आएगा। मतलब ये कटिंग शेप के हिसाब से आपको जंपर जो है मारने हैं। तो अभी ये आइडिया लग जाएगा आपको कि कौन सा वायर किस में जुड़ेगा। तो जैसे कि मैं एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये वाला कटिंग शेप यहाँ पे हो गया और उसके बाद में मतलब जंपर जो इस तरीके से रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से नहीं रखना है। कटिंग जो है नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ हो गया। अब जैसे कि वायरिंग 6 वायरिंग जो हमने की है ना, वो 6 वायरिंग आप देख के समझ गए होंगे किस तरीके से वायरिंग करना है। तो मैं एक बार वायरिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे कि
जिसमें एक नंबर सिम स्लॉट एक एंड्रॉयड मोबाइल में इस पीसी में, अब एक नंबर सिम स्लॉट के तो सारे पिने रिमूव हो गए, दो नंबर पे जो है पिने है, तो ठीक है। तो हमें मैं दो नंबर पे मार के दिखा देता हूँ। तो पहला जंपर मतलब मुझे तो आइडिया हो गया कि सिम जो है किस तरीके से लगाने हैं, तो मैं उसी हिसाब से मतलब सिम का जो कॉर्नर है जिसको शेप कटा हुआ है तो उसको रख के मुझे ये आइडिया हो गया कि कौन कौन से पिन किस में जुड़ेंगे। तो अभी देख पा रहे हो ये वाला जो पिन है ये मैं सेंटर में जोड़ूंगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमें 6 के 6 वायरिंग को जो है कम्प्लीट एडजस्ट करने हैं। अभी ये सवाल भी अगर आपके मन में आएगा कि मोबाइल फिटिंग होगा कि नहीं होगा, तो मैं बता दूँ फिटिंग भी होगा और सिम भी वर्क करेगा, क्योंकि सिम स्लॉट जो है उस हिसाब से है। अगर कोई ज़्यादा पतला सिम स्लॉट होता है तो उसमें जियो का सिम स्लॉट आप लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यूज़र जो है सिम निकाल नहीं पाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये इमरजेंसी में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सिम मैंने जैसे बताया सिम स्लॉट मिलता नहीं है, तो तब ऐसा थोड़ा कि मोबाइल यूज़ ही नहीं कर पाए कस्टमर, तो उस कंडीशन में ये रिपेयरिंग मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं जिस तरीके से वायरिंग कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको वायरिंग करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप क्लियरिटी जो है समझ गए होंगे। जब ऐसे कम्प्लीटली सिम स्लॉट लग जाए उसके बाद में मास्क टेप ज़रूर लगा ले, क्योंकि वायरिंग जो है शॉर्ट हो सकता है। सिम स्लॉट के नीचे भी लगाए और सिम स्लॉट के ऊपर भी लगाए, नहीं तो शॉर्टिंग होगा तो सिम वर्क नहीं करेगा, और इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली जो है सिम वर्क करेगा।